कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब हमको ऐसी स्पीशी दिखती है, ऐसी बर्ड दिखती है जो बहुत ही कम दिखती है, एंड अगर वो स्पीशी ऐसी हो कि वो दिखती भी कम है एंड उसको शूट करना भी उतना ही डिफिकल्ट हो, तो हम कह सकते हैं कि उस दिन की बर्डिंग का जो स्टार था वो वही वाली बर्ड थी। तो आज की मॉर्निंग भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ, हमें एक ऐसी स्पीशी मिली जो दिखती भी कम है एंड उसको शूट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन उस बर्ड के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इस ब्राउन फ्रंटेड वुडपेकर की फीमेल से। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो अब तक आप मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करना जान गए होंगे। जो फीमेल है उसके जो अगर आप कह सकते हैं जो नेक के ऊपर वाला एरिया है, इट इज़ वेरी डल कलर्ड। मेल में इट इज़ लाइक रेड, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं इट इज़ वेरी डल, लाइक ऑलमोस्ट ब्लैकिश इन कलर। सो दिस इज द ब्राउन फ्रंटेड वुडपेकर का फीमेल दैट वॉज फीडिंग ऑन दिस उतीस का पेड़। ये सिनेरियो स्टेट्स हैं। सिनेरियो स्टेट्स काफ़ी कॉमनली पाए जाने वाली बर्ड्स है पहाड़ों में, लेकिन आज के दिन ये बर्ड्स फॉर्चुनेटली हमारे काफ़ी क्लोज आ गई एंड आई वॉज एबल टू गेट अ रियली टाइट शॉट ऑफ दिस स्मॉल बट वेरी क्यूट बर्ड। ऑल्सो जो पीछे की लाइट आ रही है मॉर्निंग की, वो बहुत ही छन छन के आ रही है पीछे के पेड़ों से, तो आई रियली लाइक द फ्रेम जो पीछे का बोके आ रहा है लाइट का, इट इज लुकिंग जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो नॉर्मली क्योंकि ये कॉमन स्पीशीज है तो वी टेंड टू डिसमिस इट, वी टेंड टू इग्नोर इट, एंड जैसे जैसे मैं इनकी डिटेल्स जैसे इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, तो बहुत ही बारीक तरीके से, बहुत ही बारीक पैटर्न से इनको बनाया गया है एंड द डिटेल्स आर जस्ट माइंड ब्लोइंग। एक वॉबलर है जो मंसूना में सर्दियों में काफ़ी कॉमनली दिख जाती है, एंड दैट वॉबलर इज कॉल्ड द एशी थ्रोटेड वॉबलर। नाउ नेम जो है इसका काफ़ी सिंपल है, जो इसका थ्रोट का एरिया है अगर आप देखेंगे वो एशी रंग का है, एशी मीन्स भूरे रंग का है, तो चूंकि इसका जो थ्रोट है वो एशी रंग का है इसीलिए द नेम ऑफ एशी थ्रोटेड वॉबलर। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो ये वॉबलर है ये बहुत ही एक्टिव वॉबलर है, इट इज स्कैनिंग एवरी पत्ता फॉर एनी लिटिल बिट ऑफ फूड इट कैन फाइंड। मुझे बहुत ही अमेजमेंट होता है जब मैं इन छोटी सी बर्ड्स को देखता हूँ, फ्लाई कहते हैं उसको, वॉबलर्स को, तो एक एक इंसेक्ट को खाने के लिए दे डू सो मच एक्टिविटी। इन माय माइंड आई एम लाइक कि जितनी एफर्ट डालते हैं वो एक छोटे से कीड़े को खाने के लिए, डज इट रियली मैच द अमाउंट ऑफ नरिशमेंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे गेट फ्रॉम दैट इंसेक्ट? इट रियली अमेजेस मी बिकॉज आई थिंक द रेशियो इज क्वाइट ऑफ बैलेंस। The amount of effort put is too much compared to the food which they get, but I think they make it up for in volume, I guess. ये एक ब्लैक चिन्ड बैबलर है एंड द नेम इज वेरी सिंपल, आप देख रहे होंगे जो इसका चिन का एरिया है, जो इसके थ्रोट के नीचे का एरिया है, इट हैज दिस ब्लैक पैच एंड इसीलिए इसका नाम ब्लैक चिन बैबलर है।
ब्लैक चिन बैबलर को मैंने पहले भी शूट किया हुआ है, लेकिन आज के दिन हम इसके काफी क्लोज जा सके। एंड आई रियली लाइक द डिटेल इन दिस वेरी स्मॉल बट क्यूट बर्ड। यहाँ पे ये उतीस के पेड़ के जो बीज हैं, जो सीड हैं, उस पे फीड कर रही है। तो जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनको देखना जितना मुश्किल होता है, उनको शूट करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। तो आज हम बहुत ही फॉर्चुनेट थे कि वी वर एबल टू सी दिस येलो बेलीड फैंटेल। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर बर्ड है। एंड वीडियो में शायद आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन इफ़ यू सी दिस बर्ड इन पर्सन इट जस्ट ब्लोज योर माइंड ऑफ। बहुत ही सुंदर बर्ड है। एंड सर्दियों में आपको दिख जाती है वेस्टर्न हिमालयस में। इसको हम फैन टेल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे जो उसकी टेल है तो वो एक फैन के आकार में है। जो पुराने फैन होते थे, जो हाथ के पंखे थे जिसको हम हाथ से हिलाते थे, तो इसकी पूंछ का शेप है, तो इट्स लुक लाइक अ फैन। तो दैट्स वाई द नेम येलो बेलीड फैन टेल। द वे दिस येलो बेलीड फैन टेल मूव्स, आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ये किस डायरेक्शन में कहां और कहां जाएगी। फॉर मोस्ट अदर बर्ड्स एक प्रेडिक्शन रहता है कि ये बर्ड लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी, उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर है। लेकिन द वे दिस बर्ड मूव्स, आई एम टेलिंग यू देयर इज नो पैटर्न टू इट। इसका जो फ्लाइट का पैटर्न है ये बहुत ही रैंडम है। एंड इस दिन पता नहीं कैसे ये काफ़ी देर तक इस उतीस के पेड़ पे थी। एंड आई वॉज एबल टू गेट सम क्लिप्स ऑफ दिस। ये अगेन एक वाइट थ्रोटेड फैन टेल है। ये उसकी बड़ी कजिन है, उसको थोड़ी छोटी साइज की है, ये थोड़ी बड़ी साइज की है। लेकिन इसके बारे में मैं आपसे किसी और वीडियो में बात करूंगा, किसी और दिन बात करूंगा।